नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में कि जो इसका सिलेबस चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से आज शेयर कीजिएगा। देखिए मित्रों, दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम हुआ था और इसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आपने देख लिया होगा कि आपका सिलेक्शन उसमें आपका नेट GRF क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन विद्यार्थियों का नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है या GRF जैसे क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से आप नेट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो निश्चित रूप से देंगे। और आपके पास लगभग 5-6 महीने का समय है अभी, अच्छी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। देखिए मित्रों, नेट में जो सिलेबस चेंज हुआ है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, क्या चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, क्या ये सही चेंज हुआ है, ये फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो आज हम इन्हीं चीज़ के बारे में बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है इसमें 2 पेपर हुए थे। फर्स्ट पेपर था वो सभी के लिए समान रूप से था, सभी के लिए कॉमन था। और जो सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का, पहले सब्जेक्ट के भी 2 पेपर होते थे, उन सब्जेक्ट के दोनों पेपर को भी मिला करके इन्होंने 1 पेपर कर दिया। तो चूंकि जो 1 पेपर किया है तो इसका भी इन्होंने सिलेबस जो है वो थोड़ा चेंज किया है, या यूं कहें कि जो पहले अलग अलग सिलेबस बिखरा हुआ था उसे एक जगह इन्होंने लगभग 10 यूनिट में कवर कर दिया। तो वो तो ठीक है, सिलेबस में जो सब्जेक्ट है वो तो आपको वैसे ही पढ़ना था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख लीजिएगा। सिलेबस आप खुद भी चाहें तो साइट से देख सकते हैं, कौन सी साइट है, UGC नेट ऑनलाइन जो करके वेबसाइट आएगी, उस पर न्यू सिलेबस में आपको ये मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये देखिएगा, ये वेबसाइट है UGCNetOnline.in/ करके सिलेबस न्यू करके आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट पेपर का, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। तो आप आराम से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, जो आज बात करेंगे वो फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर में जो चेंज हुआ है वो कोई ऐसा चेंज नहीं है जो आपको देख के यूं लगे कि पता नहीं इन्होंने क्या ही चेंज कर दिया होगा। अगर सीधी सी भाषा में बोलें तो जो पहले सिलेबस था उसका थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है ये। जैसे पहले जिन टॉपिक को इन्होंने ज़्यादा अच्छे से, अगर जिनको डिफाइन नहीं किया था, या कोई एक टॉपिक है और उसमें से अच्छे से उसके सिलेबस के टॉपिक के एक एक करके नाम नहीं लिखे, थोड़ा सा उनको ओपन करके और जो उनके टॉपिक के नाम हैं उनको अच्छे से थोड़ा डिफाइन कर दिया, और कुछ 2-4 टॉपिक और हैं जो उन्होंने इसमें नए ऐड किए हैं। तो पहली बात तो ये है कि घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि पता नहीं क्या ही चेंज कर दिया। जो पहले सिलेबस था उसमें थोड़ा सुधार करते हुए, थोड़ा कुछ और ऐड करते हुए इन्होंने सिलेबस को आपके सामने रखा है। जो पहले सिलेबस था वो भी आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने आज तक पढ़ा है वो सब बेकार हो गया। बेस वही है, वो तो आपको पढ़ना है ही है, पहले वाला सब है, अभी हम देखेंगे इनमें। और थोड़ा बहुत 19-20 करते हुए थोड़ा सा इसमें कुछ सुधार करते हुए नए टॉपिक इसमें ऐड किए हैं। समानता क्या क्या है पहले और अब वाले सिलेबस में? पहले भी 10 यूनिट थी और अब भी वही सेम 10 यूनिट है। जैसे ये नए वाला सिलेबस आपके सामने है और एक बार हम इसको देखते हैं, जैसे पहली यूनिट कौन सी है, शिक्षण अभिवृत्ति की, ये नए वाला सिलेबस है। और उसके बाद में सेकंड जो यूनिट है ये है शोध अभिवृत्ति, फिर बोध, संप्रेषण, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, और उसके बाद में है युक्तियुक्त तर्क, इसके पश्चात है आंकड़ों की व्याख्या, फिर है ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और 9th यूनिट है वो है लोक विकास और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, और 10th यूनिट है वो है उच्च शिक्षा प्रणाली। ये 10 यूनिट आपके सामने है और प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5% तैयार किए जाएंगे, यानी हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 यूनिट है आपके, कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 100 नंबर का पेपर इस प्रकार से आपके सामने है। ये तो है जो न्यू सिलेबस है, और ये जो आपके सामने सिलेबस है ये इससे पहले वाला सिलेबस था, इसमें भी वही 10 यूनिट थी।
ये देख लीजिएगा, प्रत्येक भाग के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, हर भाग से 5 प्रश्न है और हर प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो वही पहले यूनिट शिक्षण अभिक्षमता की, पहले वाली जो यूनिट है ये पहले का सिलेबस है। अनुसंधान अभिक्षमता है, रिसर्च वाला, रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके बाद में अध्ययन बोध, यानी वो एक गद्यांश आएगा, पैराग्राफ। फिर संचार, तो संचार में पहले यही चीज़ें लिखी हुई थी, इसको थोड़ा सा इन्होंने और डिफाइन कर दिया। तर्क, गणितीय तर्क सहित युक्तिसंगत तर्क, सूचनाओं का विवेचन, वही ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और जन और एनवायरमेंट वाला, पर्यावरण, उस शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति और प्रशासन। तो मित्रों, आपने देखा है कि अब जो सिलेबस आपने थोड़ी देर पहले देखा था, वो इन्हीं को थोड़ा बढ़ा के और व्याख्यायित करते हुए आपके सामने रखा गया है। वही 10 यूनिट हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि सिलेबस जो है वो नया चेंज कर दिया है। मेरा ये मानना है कि जो पहले का सिलेबस है उसका कुछ सुधरा हुआ रूप है। पहले इतने ज़्यादा डिटेल में इनको व्याख्यायित नहीं किया गया था। जैसे मान लीजिए सूचना का विवेचन है, या जो भी ये यूनिट है, जैसे मान लीजिए 9वीं यूनिट है जन और पर्यावरण। अब पहले वाले में देखने में ये इतने से टॉपिक हैं, लेकिन ये दायरा इतना बड़ा था कि इसमें क्या पढ़ना और क्या ढंग से छोड़ना है उसकी जानकारी क्लियर रूप से नहीं होती थी। लेकिन अब इन्होंने एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो अब हम नए सिलेबस के बारे में बात करते हैं, और इसके साथ ही देखिएगा, जो अब तक नेट के वीडियो बना रखे हैं, 60-65 वीडियो हैं, वो सब आपके अभी भी काम के हैं, क्योंकि मेन बेसिक चीज वही है, वो सब तो आपको पढ़ना है ही है। इसके अलावा क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और है वो हम आज देखेंगे। बुक्स की अगर मैं बात करूँ, एक बार आपको बता देते हैं कि बुक्स, ये कुछ नए टॉपिक हैं इसलिए आपको बुक्स तो लेनी होगी। अगर आपने अब तक बुक नहीं ली है, या जैसे मान लीजिए अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे देंगे, तो आप एक बार बुक ना लें जब तक कि नए सिलेबस के साथ मार्केट में बुक नहीं आती है। और तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा नई बुक्स के लिए। और पहले वाली बुक्स है तो वो तो आपके काम की है ही, क्योंकि वो चीज़ तो आपको पढ़नी है ही। ये प्रश्न पत्र फर्स्ट है इसका, इसमें ये क्या कहते हैं कि इस जो पेपर है, प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य है परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वो उसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक, आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। उस शिक्षण में जो उस शिक्षा है, हायर एजुकेशन, उसमें शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो। अधिगम क्या होता है? लर्निंग, सीखना। सूचना के जो सोर्स हैं उनकी सामान्य जानकारी हो, और लोग जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, इनके बारे में जानकारी हो। तो सबसे पहले यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि शिक्षण क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, शिक्षण का स्तर क्या क्या है। थोड़े बहुत नहीं है कि जैसे स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक है। शिक्षार्थी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो साइकोलॉजी हैं, जिनके साइकोलॉजी के यहाँ वीडियो बना रखे हमने, उनसे भी थोड़ी मैचिंग करती है ये कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, शिक्षण क्या होता है, शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या क्या है। तो थोड़ा सा मिलते जुलते टॉपिक भी है उनसे। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की स्थिति, देखिए अधिगम वर्ड का मतलब होता है लर्निंग, सीखना, लर्न करना। तो शिक्षण की पत्ती है वो क्या होनी चाहिए, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति। तो अध्यापक केंद्रित क्या होती है, जिसमें मुख्य रूप से जो अध्यापक है वो ही केंद्र बिंदु होता है, और जो शिक्षार्थी होता है, विद्यार्थी, या उसको केंद्रित करते हुए पढ़ाना चाहिए, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ाना चाहिए या ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए। देखिए साइकोलॉजी, जो फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी के वीडियो हैं, उसमें शुरू के 4-5 चैप्टर जो हैं फर्स्ट यूनिट वाला, वो आपके सब इसमें काम आएंगे। तो आप देख लीजिएगा, जो फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है, उसकी फर्स्ट यूनिट के जो वीडियो हैं, वो सब इसमें आपके काम के हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, ये देख लीजिए एज इट इज, वही टॉपिक हैं सारे, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए क्या होते हैं आधुनिक और ये परंपरागत। तो पहले क्या थे परंपरागत में, जैसे बुक्स वगैरह हैं, या जैसे मान लीजिए बोर्ड है, मार्कर है, ये तो आएंगे परंपरागत में। आधुनिक में जैसे मान लीजिए जो नई नई
ये जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर मूल्यांकन की प्रणालियां कौन कौन सी है, तो कंप्यूटर आधारित है या इसके प्रकार जो हैं। तो जहां तक इस सिलेबस को देख के ये लगता है कि इन्होंने एक अच्छा सिलेबस बनाया है। पहले के सिलेबस का थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है ये, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा सा पहले वाले को इन्होंने व्याख्यायित कर दिया है। शोध अभिवृत्ति, तो सेकेंड यूनिट में वही था। शोध यानी क्या होता है रिसर्च, उसके अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। फिर शोध की जो इसकी मेथड है, पद्धतियां हैं, ये हमने देखी है। ये सब यूनिट जो है शुरू वाली, ये सब के वीडियो बना रखे हैं। शोध के चरण कौन कौन से हैं ये सब बना रखा है। शोध प्रबंध, आलेख लेखन, शोध में ICT का अनुप्रयोग और शोध की नैतिकता। जैसे मान लीजिए शोध की नैतिकता क्या होती है कि जो भी जो विद्यार्थी है कोई PhD वगैरह करता है, शोध करता है, रिसर्च करता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे की पहले का बनाया हुआ मैटर है उसको डायरेक्ट उसने उसने कट कॉपी किया और बना के तैयार कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो शोध की भी अपनी एक नैतिकता होती है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। बोध में वही है कि एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो अगर जो पैराग्राफ आएगा उसको कैसे सोल्व करना है, ये आपको बता चुके हैं पहले भी वीडियोस में, कि पहले जो पैराग्राफ है उसको पढ़ने की बजाय पहले आपको जो 5 क्वेश्चन है पहले वो पढ़ने हैं। भले ही समझ में नहीं आए लेकिन फिर भी उनको पहले पढ़ना है, फिर पैराग्राफ को पढ़िएगा और आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए थे उनके आंसर आपको उसमें कहीं ना कहीं हाईलाइट होते जाएंगे। और बाद में उसमें से आप दोबारा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पैराग्राफ को हल करना सबसे सही होता है। फिर आता है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? संचार से ही मतलब है, कोई इसमें इतना ऐसा नहीं है। जैसे संचार होता है तो क्या उसका अर्थ होता है, प्रकार क्या है, अभिलक्षण क्या क्या है। फिर आता है प्रभावी संप्रेषण यानी इफेक्टिव संप्रेषण, वाचिक और गैर वाचिक यानी बोलने के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अंतः सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण और जो क्लास है कक्षा संप्रेषण। फिर है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया और समाज। वही सब सिलेबस है पहले वाला, थोड़ा सा शब्दों का चेंज है और अच्छे से पहले वाले सिलेबस में जो टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते थे हमें खुद ही उसको पढ़ना पड़ता था कि ये भी पूछ सकता है, उसको इन्होंने अच्छे से डिफाइन करके दे दिया, तो अच्छी चीज़ है ये। वही चीज़ें हैं लगभग, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तो इसमें तर्क के प्रकार हैं, नंबर सिस्टम वगैरह है, अक्षर श्रृंखला कूट, ये चीज़ें तो आप लगातार देखते हैं यूट्यूब पे, इन सब वीडियो की भरमार है। युक्ति युक्त तर्क, लॉजिकल रीजनिंग जो है, इसमें वही पहले वाली चीज़ें हैं जैसे युक्ति के ढांचे का बोध। तो इसमें थोड़ी सी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसके रूप में भी क्वेश्चन आएंगे, एक दो, जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये जब फिलोसॉफी हम पढ़ते हैं तो फिलोसॉफी में आते हैं ये प्रमाण। देखिए जो भारतीय दर्शन है उस भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण माने गए हैं, कोई 7वां प्रमाण नहीं है, कोई 5 प्रमाण नहीं है, 6 ही प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इसके बाद में अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास। बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक हैं मित्रों, और ये टॉपिक फिलोसॉफी के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। तो इनके जो वीडियो बनाएंगे कभी तो आपको बता देंगे। अभी तो आपके एग्जाम में टाइम है, को जून में जाकर के कोई एग्जाम होगा तो भरपूर समय है। ये जैसे व्याप्ति क्या होता है, हेत्वाभास क्या होता है, ये अनुमान के अंदर ही पढ़ते हैं हम। अनुमान जो है इसी के प्रकार हैं, इसी में व्याप्ति पढ़ेंगे, इसी में हेत्वाभास आएगा, वेन डायग्राम क्या होते हैं, ये सब फिलोसॉफी वाले टॉपिक हैं। जो लॉजिक आती है फिलोसॉफी जब पढ़ते हैं तो फिलोसॉफी में एक सब्जेक्ट आता है लॉजिक, जिन्होंने एमए किया है फिलोसॉफी में उन्होंने पढ़ा होगा। तो बहुत अच्छी यूनिट है ये यूनिट आपको 5 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही करवा सकती है। और मैं कहता हूं कि पहले से अच्छा कर दिया इस यूनिट को, अब आपके लिए चीजें बिल्कुल सही है। एक प्रकार से लैंग्वेज है इसमें, वेन डायग्राम का तो ये एक है, बाकी जैसे लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो
इसमें से। उसके बाद है आंकड़ों की व्याख्या। तो आंकड़ों का सोर्स जो है प्राप्ति वर्गीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े, ये देखिए ये पहले वाले ही हैं। जैसे कोई भी चार्ट है या बार डायग्राम है या पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, ये पहले भी था आंकड़ों वाला। और एक जैसे वो चार्ट दे देता था और उसी चार्ट में से 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये वही चीज़ें हैं लगभग। 8वीं यूनिट जो है ये है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की, ICT की। सामान्य जो भी है इसमें शब्दावलियाँ, संक्षिप्तियाँ, इंटरनेट, ये वाला किससे है, ये कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आज के टाइम में मॉडर्न समय में जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए मैन, लैन, वैन, WWW, ये आप देखते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, कौन सा किस में कहाँ काम आता है, या जो भी इनमें शब्दावलियाँ हैं वो शब्दावलियाँ पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो वही पहले वाली चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं है कि आपको लगे पता नहीं क्या चेंज कर दिया। ये पहले भी आपको पढ़नी थी, अब भी आपको पढ़नी है। इसको इन्होंने और ज्यादा डिटेल में दिया है, लोग, विकास और पर्यावरण। तो विकास और पर्यावरण के अंदर मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण संव्यवहार, नरजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण के मुद्दे कौन कौन से हैं, तो जितने भी प्रदूषण है वो सब आ गए, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, जैसे ये सेकेंड वाला है, थर्ड है, ये पहले भी थे आपके, प्राकृतिक ऊर्जा के सोर्स, ये पहले भी था, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, ये भी आपको पहले पढ़ना था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। मित्रों कितना प्यारा सिलेबस दिया है आपको, टॉपिक के नाम बिल्कुल क्लियर कर दिए इसने, ये आपको पढ़ने पहले भी होते थे। अगर आप पहले के पेपर देखेंगे, और मैंने भी वीडियो अगर जो एनवायरमेंट वाला बनाए हैं उसमें आपको सभी महत्वपूर्ण इन, ये जैसे मॉन्ट्रियल वगैरह है, रियो है, किससे संबंधित हैं, ये नेचुरल से, पर्यावरण से संबंधित हैं, ओजोन परत से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, वो सब वीडियो आपको बनाए भी हैं। तो पहले इनको डिफाइन करके नहीं दिया हुआ टॉपिक को, अब इन्होंने डिफाइन करके दे दिया, तो इन्होंने एक प्रकार से हमारा काम आसान किया है। गहराई से देखें तो इनको इतना कोई डिप्रेशन में ऐसे नहीं होना है कि इतना बड़ा सिलेबस है, ये बड़ा नहीं है, इन्होंने इसको अच्छे से व्याख्यायित किया है, ये अच्छी चीज है। और इसके बाद में हम बात करते हैं उच्च शिक्षा प्रणाली। तो हायर एजुकेशन के बारे में है, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। तो प्राचीन भारत के अंदर हम जैसे मान लीजिए कौन से विश्वविद्यालय थे, देखिए जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये प्राचीन भारत में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्रोत थे, जिनमें विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। फिर है भारत में प्राच्य यानी प्राचीन, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। एक प्रकार से जो पहले आप पढ़ते थे वही चीजें आपको आप पढ़नी है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज है, बाकी लगभग वही है। तो मित्रों ये आपका सिलेबस है, हर यूनिट में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, तो टोटल जो है ये 10 अंक के और 10 यूनिट है, तो 100 अंकों का पेपर हो गया। देखिए सिलेबस पहले के अकॉर्डिंग कैसा है, तो मैं अगर देखूं तो मुझे ये सिलेबस पहले के से ज़्यादा सही लगा, क्योंकि इसमें डिटेल में इन्होंने बताए हैं और पहले वाले सिलेबस को अच्छे से व्याख्यायित कर दिया है। 19-20 का फर्क है, पहले मान लीजिए 18-20 का फर्क, मान लीजिए पहले 18 था तो अब 20 है, 2% इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया इन्होंने। कुछ चीज़ें हैं इसमें इन्होंने बहुत अच्छी दी है, जैसे मान लीजिए 6 यूनिट है, तो पहले कईयों को लॉजिकल रीजनिंग करने में तर्क या वैसे दिक्कत होती थी, अब इन्होंने लैंग्वेज के रूप में है, और ये बहुत ही प्यारी यूनिट है। फिलोसॉफी के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये सब पढ़ाते हैं, ये एक एक चीज़ को डिफाइन करके बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं इनको, और बहुत ही अच्छे प्यारे टॉपिक हैं। तो एग्जाम से पहले जो है अभी आपके भरपूर समय है, आप तैयारी करते रहिए, जैसे जैसे समय मिलेगा साथ साथ में आपके इनके नेट के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके वीडियो बनाते रहेंगे, आपको भी काफ़ी बेनिफिट होगा, आपकी भी तैयारी होगी। तो मुझे तो ये सही लगा पहले के कंपैरिजन में, बाकी चीज़ें लगभग वही सेम हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, और
आपको जो यूजीसी नेट ऑनलाइन की वेबसाइट बताई थी, आप उस वेबसाइट पे जाकर के और अपना ये सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सही रहेगा वहाँ से इसको पढ़ने में। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जो टर्म आपको कोई हिंदी में समझ में नहीं आ रही है उसको इंग्लिश में देख लीजिएगा, आपका जो सब्जेक्ट है उनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बुक्स अगर आपने पहले वाली है तो उसको अब तक तो पढ़ते रहिए, और जब बिल्कुल न्यू सिलेबस के और अब तक अगर आपने नहीं ली है तो फिर एक बार मत लीजिएगा, जब नया सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट में किताब आ जाए तब आप कोई से भी किताब परचेज कर सकते हैं, 3-4 किताबें आती है उन्हीं में से कोई सी भी आप ले लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हर वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होता है उसको ज़रूर क्लिक करें, उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, और इसके साथ ही जो पहले की वीडियो हमने बना रखे हैं 60-65 वीडियो हैं उनको भी आप बार बार देखते रहिएगा, वो आपके हमेशा काम आएंगे, हर एग्ज़ाम में इसमें हमेशा काम आएंगे, नेट में बेसिक चीज़ वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।